हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हाफ कॉलर सूट का सिलाई और कटिंग करना बताऊंगी। तो सूट मैंने पहले से कटिंग करके रखा हुआ है। यहाँ पर हम शोल्डर कितना रखेंगे और इसका आर्म होल कितना रखेंगे ये देखते हैं। तो यहाँ पर मैंने शोल्डर रखा है 7.5 इंच और इसका आर्म होल रखा है मैंने 7.5 इंच। सूट का चेस्ट 36 इंच है, तो इसे हमने 4 भाग करके कटिंग कर लिया है। कॉलर सूट के लिए हमें शोल्डर का नाप लेना होता है। शोल्डर जितना भी आता है उसमें हम 1 इंच प्लस करते हैं। इसके बाद इसे हम 2 भाग कर लेते हैं। इस सूट के लिए शोल्डर 14 इंच का आया था, इसमें हमने 1 इंच प्लस किया है, तो 15 को 2 भाग करने से ये 7.5 इंच आया है। शोल्डर के बराबर ही हमें आर्म होल रखना होता है। गले का चौड़ाई हम 2.5 इंच रखेंगे और इस तरफ हम शोल्डर 1/2 इंच का डाउन करेंगे। यहाँ से यहाँ तक हम तिरछा मार्क कर लेंगे इस तरह से। गले का डीप हम 1/2 इंच रखेंगे और इस तरह से राउंड कर लेंगे। यहाँ पर मैंने 1/2 इंच पर मार्क किया है। इसके बाद हम इस तरह से राउंड कर लेंगे। इसके बाद हम कटिंग कर लेंगे। गला से कटिंग करते हुए हम शोल्डर के डाउन वाला हिस्सा भी कटिंग करके निकाल देंगे। यहाँ पर हमें बैक पार्ट पर और कुछ भी नहीं करना है, तो इसे हम हटा लेते हैं। इसके बाद हम फ्रंट का कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम आर्म होल का गहराई देंगे। यहाँ पर हमने आर्म होल पर 1/2 इंच का गहराई दिया है, इसे हम बाद में कटिंग कर लेंगे। पहले हम गला नाप लेते हैं। तो यहाँ से हमें गले का डीप लेना है, तो यहाँ पर हम इंची टेप इस तरह से रखेंगे। कॉलर गला का डीप 6 से 6.5 इंच तक होता है, तो यहाँ पर हम 6.5 इंच पर मार्क करेंगे। तो इस मार्क पर हम इस तरह से बॉक्स बना लेंगे पहले, इसके बाद गले का शेप देंगे। तो इस गला को मुझे राउंड शेप में बनाना है, तो यहाँ पर मैं राउंड शेप लगा रही हूँ। इसके बाद मैं कटिंग कर लूँगी। गले का कटिंग हो जाने के बाद हम आर्म होल का भी कटिंग करेंगे। तो हमने फ्रंट पार्ट का कटिंग कर लिया है। इसके बाद हम गले के लिए पेस्टिंग कटिंग करेंगे। तो सबसे पहले हम गला के लिए पट्टी कटिंग करेंगे। पट्टी वाला कपड़ा को मैंने 2 फोल्ड में रख लिया है। इसके ऊपर हम गला इस तरह से रखेंगे। यहाँ पर हमें पट्टी के बराबर ही इस तरह से सूट को रखना है और गले का शेप जिस तरह से है सेम उसी तरह से हमें इस कपड़ा को भी कटिंग कर लेना है। इसके बाद गला का पट्टी कितना चौड़ा रखना है ये देखते हैं। तो इस गला का पट्टी को हम करीब 1.5 इंच का चौड़ाई पर कटिंग करेंगे। इसके बाद हम पेपर पेस्टिंग का कटिंग करेंगे। तो पेपर पेस्टिंग को भी हम इस तरह से 2 फोल्ड करके रख लेते हैं। इसके बाद ये जो हमने गला पट्टी कटिंग करके रखा हुआ है इसे हम इस तरह से पेस्टिंग के ऊपर रखेंगे और जिस शेप में हमने गला कटिंग किया है सेम उसी शेप पर हम निशान बना लेंगे। इसके बाद ये पेन के निशान के ठीक 2 सूत बाहर हम कटिंग करेंगे। गले के लिए पेस्टिंग को हम 1/4 इंच रखेंगे। आप चाहें तो थोड़ा सा कम या फिर थोड़ा सा ज़्यादा ले सकते हैं। पेस्टिंग के सेंटर पर हम छोटा सा कट लगा लेंगे और इस पट्टी पर भी हम सेंटर पर छोटा सा कट लगा लेंगे। इसके बाद पट्टी और पेस्टिंग का सेंटर मिलाते हुए हम इस तरह से रखेंगे और इसे हम आयरन कर लेंगे। यहाँ पर हमें पेस्टिंग को पट्टी से 2 सूत नीचे रख के आयरन करना है। इसके बाद हमें कॉलर के लिए बकरम लेना है। तो बकरम यहाँ पर मैंने 1 इंच का लिया है और इसे 2 फोल्ड करके रखेंगे। इसके बाद हम कॉलर का लंबाई लेंगे। तो कॉलर का लंबाई हमें 13 इंच लेना है, तो इसे 2 फोल्ड करके 6.5 इंच का आएगा। तो यहाँ पर 6.5 इंच पर मैंने निशान बना लिया है। इसके बाद कॉलर के यहाँ कोना से हम करीब 1/2 इंच पर निशान लगाएंगे और इसे हम इस तरह से राउंड शेप देंगे। तो इस राउंड शेप पर हम कटिंग कर लेते हैं। तो इस कॉलर को हम कपड़े पर रख के आयरन कर लेंगे। पेस्टिंग को हमने गला पट्टी के ऊपर रख के आयरन कर लिया है। देखिए दोनों तरफ मैंने 2 सूत का कपड़ा छोड़ा हुआ है और बाहर वाला जो हमने 1 इंच का कपड़ा छोड़ा था इसे हम इस तरह से रख के फोल्ड कर लेंगे। यहाँ पट्टी को हमें पेस्टिंग तक ही फोल्ड करना है। तो इस तरह से अच्छी तरह से फोल्ड करते हुए हम सिलाई लगाएंगे। फोल्ड हो जाने के बाद यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसे हम कटिंग करके निकाल देंगे। जब भी हम गला पट्टी बनाएंगे तो यहाँ पर जो एक्स्ट्रा कपड़ा हम फोल्ड करते हैं इसे हम कटिंग करके इसी तरह से निकाल लेंगे।
तो यहाँ पर हमारा पट्टी हो गया है तैयार। अभी हम कॉलर को देखते हैं। कॉलर के लिए मैंने बकरम को आयरन कर लिया है कपड़े पर रख के। यहाँ नीचे की तरफ मैंने कोई भी कपड़ा नहीं रखा है। कॉलर वाले पट्टी के बराबर ही हमें एक और कपड़ा लेना है और इस तरह से रखने के बाद हम कॉलर का सिलाई करेंगे। यहाँ पर हमें बकरम के किनारे पर सिलाई लगाना है, बकरम के ऊपर सिलाई नहीं चढ़ाना है। बकरम के पास का 2 सूत कपड़ा छोड़ते हुए हम बाकी का एक्स्ट्रा कपड़ा काट के निकाल देंगे। हमने जिस तरफ बकरम को चिपकाया हुआ है वो हमारा सीधा साइड है। अभी हम कॉलर को इस तरह से पलट लेते हैं अच्छी तरह से। इसके बाद किनारे पर हम सिलाई चलाएंगे। तो सीधा तरफ हमें सिलाई चलाना है, एकदम किनारे पर हम सिलाई लगाएंगे। कॉलर के निचले भाग पर भी हम सिलाई चला लेंगे। इसके बाद कॉलर का 2 फोल्ड करने के बाद इसके सेंटर पर हम कट लगा लेंगे। तो सबसे पहले हम सूट का फ्रंट वाला पीस लेंगे और गला के सेंटर पर हम कट लगाएंगे। इस कट को हम गला पट्टी के साथ मिलाएंगे, इसलिए यहाँ पर हमने कट लगाया है। इसके बाद हम बैक पार्ट के ऊपर फ्रंट पार्ट रखेंगे और शोल्डर जॉइंट करेंगे। शोल्डर जॉइंट होने के बाद ही हम कॉलर लगाएंगे, उसके बाद हम गला पट्टी लगाएंगे। तो यहाँ पर मैंने बैक पार्ट का शोल्डर को 2 फोल्ड किया है और यहाँ सेंटर पर कट लगाया है। तो इस कट पर हम कॉलर का सेंटर मिलाते हुए जॉइंट करेंगे। तो कॉलर का सेंटर और शोल्डर का सेंटर मिलाते हुए यहाँ पर हम पिन लगा लेंगे पहले, ताकि ये खिसके ना। इसके बाद हम कॉलर के शुरुआती जगह से हम सिलाई करना शुरू करेंगे। जहाँ से हमने कॉलर को शुरू किया है वहाँ से लेके लास्ट तक सिलाई कर लेना है। यहाँ सेंटर पर जो हमने पिन लगाया हुआ है इसे हटा लेते हैं पहले, इसके बाद इस सिलाई को पूरा कॉलर तक ले जाएंगे। तो हमने इस तरह से कॉलर का जोड़ लिया है। इसके बाद हम गला पट्टी का जॉइंट करेंगे। तो गला पट्टी को हमें सीधा तरफ से सिलाई करते हुए इसे अंदर की तरफ पलटना है। तो यहाँ गले पर जो हमने सेंटर का कट लगाया है, इस सेंटर का कट और गला पट्टी का सेंटर का कट को मिलाते हुए यहाँ पर भी हम पिन लगा लेंगे। और ये जो कॉलर है, इस कॉलर को हम इस तरह से फोल्ड करके रखेंगे और कॉलर के ऊपर से ही हम गला पट्टी को इस तरह से रखेंगे और यहाँ स्टार्टिंग पर थोड़ा फोल्ड करके सिलाई करना शुरू करेंगे। गला पट्टी पर जो हमने पेस्टिंग लगाया है, इस पेस्टिंग के बगल में सिलाई करना है। पेस्टिंग के ऊपर हमें सिलाई नहीं चढ़ाना है। पूरे गले पर हम पेपर पेस्टिंग के बगल में सिलाई करेंगे और ये जो गला पट्टी जहाँ पर लास्ट होगा वहाँ पर भी हम थोड़ा सा फोल्ड कर लेंगे गला पट्टी को और सिलाई ख़त्म करेंगे। तो हमने इस तरह से गला पट्टी लगा लिया है। इसके बाद गले पर हम छोटा छोटा इस तरह से कट लगाएंगे। यहाँ पर हमें सिलाई नहीं काटना है, ये ध्यान रखना है। यहाँ पीछे की तरफ जो खुला भाग है यहाँ पर आप तिरछा पट्टी भी लगा सकते हैं या फिर इंटरलॉक भी कर सकते हैं, या फिर आप इसे इस तरह से भी फोल्ड करके ऊपर से सिलाई लगा सकते हैं। ये गला पट्टी जो हमने लगाया हुआ है इसे हम पीछे की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे और सिलाई चलाएंगे। कॉलर के बैक से सिलाई लगाते हुए किनारे पर हम यहाँ आगे का गला से सिलाई लगाते हुए पीछे के गला तक हम सिलाई चलाएंगे। तो इस तरह से हम हाफ कॉलर का सूट सिलाई करते हैं। इस तरह से हम गला पट्टी और कॉलर लगाते हैं। पूरा सूट का कटिंग के लिए आप हमारे सूट वाला प्लेलिस्ट चेक कर सकते हैं। वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक करें, चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो को पूरा देखने के लिए दिल से धन्यवाद।